भाई साहब, अंधेरी पंखुरी। चलो मेरे साथ। जी कहाँ? एक इम्पोर्टेंट जगह जाना है और मुझे ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं। चलो। अवंतिका, पंखुड़ी, अंदर आऊं या यहीं से अपनी बात कहूं? आओ। अब क्या कहना रह गया? कुछ चीज़ें क्लियर करने आई हूँ। ये प्रूव करने आई हूँ जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाया है वो गलत है। और इसीलिए सबूत साथ लेकर आई हूँ। बताओ इन्हें कि आदित्य के बारे में गलत अफवाहें किसने फैलाई। ये क्या हो रहा है? हम सबका टाइम वेस्ट मत करो और अपना मुंह खोलो। ये सारी झूठी अफवाहें मेरे मामा जी ने फैलाई हैं। आदित्य बिल्कुल ठीक है लतिका। ना ही आदित्य की दिमागी हालत खराब है और ना ही उनका कोई इलाज चल रहा है। अब यकीन हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी अवंतिका। इट्स ओके। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि तुमने मुझ पर शक किया। दुख इस बात का है कि अपनी बात प्रूव करने के लिए मुझे तुम्हें सबूत देना पड़ा और वो भी किसी और की वजह से। लेकिन मॉम, हम इस लड़की पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आई मीन, वो यहाँ कह रही है कि सारा कसूर उसके मामा का है, लेकिन हमें क्या पता कि ये सारे अफवाहें फैलाने में सिर्फ उसके मामा का हाथ है या फिर उसकी फैमिली भी इसमें शामिल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और तुम इतना सब सुनने के बाद भी यही खड़ी हो? ये किसी और का घर है जहां मेहमान बनकर नहीं आई हो तुम। अरे तुम्हें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? जस्ट लीव। तुम जैसी लड़कियों की वजह से छोटे शहरों की बाकी लड़कियां भी बदनाम होती है। आओ अवंतिका, हम रूम में चलते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।